हाय फ्रेंड्स, मैं आप लोग को एक चीज दिखाना चाहता हूँ। ये चीज मैंने जब पहले देखा था, मैं भी थोड़ा कन्फ्यूज में था कि ये चीज है क्या। बाद में मुझे पता चला कि ये चीज है क्या, तो मैं आप लोग को भी आज ये चीज दिखाना चाहता हूँ। आप लोग को मैं लोड बैंक दिखाना चाहता हूँ। इसको लोड बैंक बोलते हैं। ये 60 लोड बैंक है, अभी जो ऑन कंडीशन में है, अभी ये लोड पे है। आप लोग देख रहे हैं कि इसके अंदर में ये सब जल रहा है। इसके अंदर में क्या है आज मैं बताऊंगा, इसके अंदर में क्या है और ये क्यों जरूरी है। लोड बैंक एक प्लांट में क्यों जरूरी है आप लोगों को मैं पहले दिखा लेता हूँ ये क्या चीज है। अभी ये सारो ऑन है और ये अभी ऑफ पोजीशन में है। ये अभी ऑफ पोजीशन में है। इसमें 3 फेज कनेक्शन लगा हुआ है। ये 500 ब्लड बैंक में 3 फेज कनेक्शन लगा हुआ है। आप लोग देखिए, इसके अंदर में हीटर है और सब हीटर कॉइल है सब। ये एक एक कॉइल आपका 1 किलोवाट का है। इसमें इतना सारा हीटर कॉइल है। जब एक साथ ये हीटर कॉइल जलता है तो कितना करंट लगेगा आप लोग खुद सोच लीजिए। इसमें एक एक लाइन में 40 हीटर कॉइल है। ये आपका 40 हीटर कॉइल है अंदर में, और इसका नीचे में फैन लगा दिया हुआ है। इसका नीचे में फैन इसलिए लगा दिया हुआ है कि ये ज्यादा गर्म ना हो। इसमें तो स्टैंड फैन भी लगा के रखा हुआ है कि ये ज्यादा गर्म ना हो। अभी फिलहाल 4 लोड बैंक चालू है और एक बंद है। आखिर ये लोड बैंक क्यों जरूरी है, इसको चलाने का मतलब क्या है? इसको चलाने का मतलब यही है कि बड़ा बड़ा जेनसेट जो डीजी सेट है वो कम लोड में चलता नहीं है। उसको चलने के लिए 35-40% लोड चाहिए ही चाहिए। अगर ये 35-40% लोड नहीं मिलेगा तो ये ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाएगा या फिर बंद हो जाएगा। इसलिए वो लोड मेंटेन करने के लिए ये लोड बैंक चलाना पड़ता है। आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो देख के अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं आगे भी ऐसे वीडियो डालता रहूं और आप लोग को कुछ दिखा सकूं नया नया चीज़।